back to my channel and it is finally the Diwali week that we were looking forward for. It's actually a very very simple Diwali this year because you all know this year has been a really big roller coaster ride for most of us. So today we are going to make something yummy and Indian. Mostly in my Diwali videos we are doing most of the stuff which is Indian flavored because Diwali mein Indian mithaiyan hi muh mein pani lati. Actually generally bhi hum Indians ko Indian mithaiyan especially mujhe to bahut zyada pasand hai. So I thought हर चीज में इंडियन मिठाई का फ्लेवर डाल के ट्राई करते हैं कैसा बनेगा. टुडे वी आर मेकिंग रसमलाई फ्लेवर्ड पैनकेक्स. आई वाज गोइंग टू से रसमलाई फ्लेवर्ड क्रेप्स. दीज आर वेरी डिलिशियस, वेरी सॉफ्ट, वेरी क्रीमी एंड यमी डिजर्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड क्रीम टू इट. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू लेयर इट लाइक अ केक. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द प्रोसेस एंड शो यू हाउ वी आर मेकिंग इट. सो गाइज, फर्स्टली आई हैव टेकन 3/4 कप मैदा जो छना हुआ है, आपको छान के रखना है. मैंने एक बस, दिस इज एक्चुअली वन बोल रेसिपी, तो आप इसको बस एक बोल में ये छान लो, ठीक है. और मैं विस्क यूज़ करने वाली हूँ मिक्सिंग के लिए. प्लीज़ याद रखना कि विस्क ही यूज़ करें क्योंकि अगर आप स्पैचुला यूज़ करते हैं तो उससे ढंग से मिक्स नहीं होगा और लम्स आएंगे. आई एम यूजिंग सोडा विच इज़ 1/8 टीस्पून. दिस इज़ बेकिंग सोडा. दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया है. ओके, नाउ मेरा यहाँ पर बिकॉज आई एम मेकिंग इंडियन ट्रेडिशनल मिठाई फ्लेवर, आई एम पुटिंग कार्डमम ऑल्सो एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग सम सैफ्रन स्ट्रैंड्स. कार्डमम हमने लिया है 1 पिंच. यू कैन लीव इट आउट इफ यू डोंट लाइक. यू कैन ऑल्सो एड कार्डमम एसेंस बट आई थिंक आई लाइक द रियल फ्लेवर सो वी एडेड दैट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू पुट 1 कप ऑफ milk which is warm milk and while you put it like thoda sa dalo aur thoda usko mix karo taki aapke lumps na form ho. Okay, मैं सारी की सारी रेसिपी ग्राम्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. हर एक वीडियो में हम ऐसे ही करेंगे, आपको ग्राम्स में भी देंगे ताकि आप इजीली फॉलो कर सको बिकॉज सब जगह के कप्स मेजरमेंट सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं. तो वील ऑल्सो पुट इट इन ग्राम्स, डोंट वरी अबाउट दैट. इफ यू वॉन्ट यू कैन ऐड अ लिटल बिट ऑफ येलो कलर बट आई थिंक आई डोंट वॉन्ट ऐड एनी कलर टू दिस क्योंकि हमारी रसमलाई एनी वे येलो है तो वी कैन स्किप आउट द कलर. Once this is nicely mixed, your last step is your vegetable oil. हम लोग सफोला ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से घर पर जो भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना है, फ्लेवरलेस ऑयल बेसिकली. Mix it thoroughly, okay? सब कुछ अच्छे से incorporate हो जाए. Okay, that's how your batter has to look like. So I'm going to go ahead and grease my pan, but it doesn't really require greasing because it's a non-stick pan. But I'm still going to go ahead and put a little bit of oil with the help of my pastry brush. You don't need to do this step before every crepe, but I think after each 2-3 crepes we can do it. So I have kept it on 1000 watts right now and letting it heat a little. So it's heated up already. I'm going to put a little bit of batter, very slightly, not too much. And then give it a quick spread out. You have to be quick because this is a crepe and you cannot take your own sweet time. It'll start cooking. फर्स्ट हमेशा ही थोड़ा ख़राब बनता है बट नेवर माइंड, दिस विल कम टर्न आउट रियली नाइस. इट्स बिलीव मी, इट्स यमी. इट्स स्टार्टेड कुकिंग, आप देख सकते हो ऑलरेडी कुक होना शुरू हो गया है. अगर आप फ्लेम पे बना रहे हो तो आई थिंक अराउंड मीडियम पे रखो एंड उस पर ही रख के देखो, मतलब मीडियम पे बनाने का ट्राई करो, नहीं जलना चाहिए. बट अगर लग रहा है जल रहा है तो आप उसको स्लो पे बनाओ. थोड़ा और पतला कर सकते हैं बिकॉज क्रेप है, बट थोड़ा सा ये थिकनेस थोड़ा आप कम कर सकते हो, बट इट्स ओके. सी
सी द ब्राउन एंड गोल्डन कलर हेयर, ये ज़्यादा पक चुका है, वो साइड पे हम उसको पकने देंगे। सो गाइज दिस इज थरली कुक्ड, ओके अभी मैं इसको निकालने वाली हूँ। इतना ऑयल जो मैंने डाला है, थोड़ा कम भी डाल सकते हो अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है तो, क्योंकि एनी वे नॉन स्टिक पैन है। सो अब हम दूसरा डालेंगे, मैं इसको पहले थोड़ा कम कर देती हूँ। सो गाइज वी डन विथ मेकिंग द क्रेप्स नाउ, एंड आपके एक बैटर में से अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 8 to 10 क्रेप्स बनेंगे। मेरे यहाँ पे क्रेप्स मैं बना चुकी हूँ सारे के सारे, बिकॉज थोड़ा टाइम लगता है ऑफकोर्स, एक क्रेप को अराउंड 4 to 7 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन आप कितना हाई हीट पे बना रहे हो। आई हैव माई क्रीम रेडी हियर, दिस इज अमूल व्हिप क्रीम, अमूल व्हिपिंग क्रीम, व्हिप क्रीम, ओके दिस इज डेयरी वाला क्रीम, आप नॉन डेयरी वाले भी यूज़ कर सकते हो। नॉन डेयरी में ट्रोपोलाइट रिच, इन सब में शुगर होता है, इसमें शुगर नहीं है, मैंने पर्पसली ये वाला लिया है बिकॉज आपके जो क्रेप्स में हम रसमलाई डालने वाले हैं, राइट, रसमलाई इज एनी वे वेरी स्वीट, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग अ क्रीम विच हैज लेस शुगर, विच हैज नो शुगर बेसिकली। सो वी आर गोना स्टार्ट स्टैकिंग नाउ। सो गाइज आई हैव माई क्रीम हियर, ओके ये मैंने व्हिप करके रखी है, सॉफ्ट पीक्स है, आप स्टिफ पीक्स पे भी कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं डालने वाली हूँ बिकॉज एनी वे हमारी रसमलाई और ये सब बहुत क्रीमी है, ओके मैं पीस बाय पीस इसको थोड़ा सा रसमलाई जो मैंने घर पे बनाई है, आप बाहर से भी ले सकते हो या आप YouTube पे कोई भी रेसिपी चेक कर सकते हो, उसको आप स्टैकिंग में ऐड करेंगे। ओके आपको चाहिए तो आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हो, मैं पिस्ता ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज एनीवे रसमलाई में काफ़ी सारा पिस्ता है। It's too good for perfect sweet for me, but I think I think people like Nikhil who love sugar might need more sugar, so don't forget to add sugar to your cream if you like it more sweet. Cheers. So guys, if you like this video, don't forget to subscribe and like this video, give it a thumbs up basically, and I'll see you all soon. Bye.